श्रीमती रामानुजाय महा
तदेकी भूतत्व, ये सब तीन गुण की व्युत्पत्ति हो जाती है। तत् परत्व में जो वस्तु को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, अनुभूति में डाल रहे हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष में कर रहे हैं, वो वस्तु में तत्परत्व होता है, वो एक ही वस्तु पर ध्यान होता है, वो पहला स्थिति है। वो दूसरी स्थिति में वो वस्तु से अलावा जो कुछ है इसे बहुत माननीय है, गणनीय है और योग्य है, वो जो कुछ भी पढ़ाई भी हो और माँ बाप हो, भार्य और बच्चे लोग जो भी हो, और ये तुरंत ध्यान और ये आकर्षण से दूसरे कोई वस्तु है, हमारे संबंधित वस्तु सबको भूल जाते हैं। और तदेक भूतत्व, तदांतर्भूतत्व में वो वस्तु में हम एक अद्वैत भाव से वो वस्तु के साथ हम मिलन हो जाते हैं। ये तो हो सकता है सबको है दुनिया में, ये तो अभाव पदार्थ नहीं है, अभाव गुण नहीं है, लेकिन वो तो वास्तविक स्थिति, वास्तविक उत्कृष्ट पदार्थ में हमको नहीं है, हमारे पास तो वो गुण है। यो योग्य गुण चाहिए तत्परत्व तदन्यत्र विस्मृति एवं तदेक भूतत्व, ये तीन गुण की संपत्ति सबके ऊपर है लेकिन उत्कृष्ट पदार्थ के ऊपर नहीं है, जो निष्कृष्ट पदार्थ के ऊपर वो सब होता है, ऐसा सामान्य क्षुद्र विषयों में। इसलिए मैंने बोला कल जो हमको उन्नति देने के लिए तैयार है वस्तु को हम भद्र बोलते हैं, जो हमको उन्नति देती है उसको भद्र बोलते हैं, हो जो हमारी उन्नति को खंडन करके हमको नीचे गिराता है वो वस्तु को हम क्षुद्र बोलते हैं, ऐसा क्षुद्र भद्र विवाद ऐसा शास्त्र में बताया। इसलिए हमारे पास जो वो तुरंत ध्यान करना और एक ही वस्तु को लक्ष्यीकरण, ये सब तो हमारे ऊपर है वो संपत्ति, लेकिन वो संपत्ति ऐसा जो उन्नति पदार्थ है भद्र पदार्थ में नहीं है, क्षुद्र पदार्थ में है। इसलिए हमारे अंदर एक वैराग्य होना चाहिए, नहीं तो ऐसा दीप प्रज्वलन अभी किया वैसा हमारे जो वैराग्य दीप जो मंद स्थिति में, सुप्त स्थिति में, मूर्छित अवस्था पर हमारे अंतर्गत है, उसका प्रज्वलन करने के लिए एक अधिकार ज्ञान वैराग्य और तेजोयुक्त एक महात्मा का यदि वचन, नहीं तो स्पर्श, नहीं तो वीक्षण, नहीं तो दीक्षा, ये सब किसी साधन से उनका प्रेरणा होना चाहिए। इसलिए हमारा जो वैराग्य है उसका प्रज्वलन होगा, और जो पकड़ते हैं वो अच्छा ही पकड़ते हैं, जो आज पकड़ते हैं हमेशा पढ़ते हैं पकड़ते हैं, जो अभी कुछ पकड़े इसके धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, जिसको हम पकड़ के रखे हैं वो साधना हम करते रहेंगे, जिसके साधना करते हैं उसको प्राप्ति तो अनिवार्य है, हमारे हाथ में मिल जाएगा। इसलिए जो आप जानते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप उत्सुक और इच्छुक भी हैं, उसके बारे में आपको अविच्छिन्न वैराग्य देने के लिए एक प्रेरणा शक्ति, एक प्रेरणा शक्ति सन्निधि में, संस्थिति में, उपस्थिति में, संबोधन में, उपबोधन में, उपदेश में, मार्गदर्शन में, व्याख्यान में, शंका परिहरण में, ज्ञान तत्व का बीज वेफल में आपके ऊपर डालने के लिए आपका अंतर्गत जो प्रज्वलन तो इसके पहले थी, वो शक्ति को पुनरुद्घाटन जीर्णोद्धारण करने के लिए हम अभी आए, ये कार्यक्रम का लक्षण मूलभूत वही है। इसलिए एक वातावरण, इच्छा अधिकार वातावरण और समय, ये तो चतुस्तंभ होते हैं। इच्छा होना चाहिए, इच्छा है तो हम सब कुछ सुनेंगे, यदि इच्छा हो सकता है फिर भी इच्छा के साथ हमको सामर्थ्य भी होना चाहिए, बहुत कुछ विषय में ज्ञान में, ज्ञान इसको शास्त्र में बोलते हैं उपाय में इच्छा और उपेय में इच्छा।